ਇਹ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ सिख धर्म का मुढ़ उतो शुरू होया हर एक सिख चाहता वो दर्शन करने जी जी करतारपुर कोरीडोर से $20 की फीस मतलब की यह कह सकते करतारपुर साहब नतमस्तक होने $20 की फीस की माफ़ी की वेव करने की मांग शुरू तो रही लेकिन बीते कल जो एक ट्वीट आता है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तान वालों कि पाकिस्तान वालों जी ऑन अराइवल वीजा फीस है वह माफ़ कर दी गई तुम भाजी अज चले हो पाकिस्तान गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होने जाना खुले दर्शन दारे कह लो लोगों मिल गए लेकिन अज करतारपुर साहब जाने शायद खुले दर्शन दारे नहीं आप मानते अपनी घाट है सारी क्योंकि तो सरकार आपस में साडा तालमेल नहीं होना चाहुंदियां उधरों की है अपनी सरकार उन्होंने भड़का दी वो सरकार अपने ये मार आपां पै रही फीस की जी पै रही है इतने तो असं रोज़ अरदासा बेनतियां करते हैं कि वाहगुरु सानू करतारपुर के ननकाना साहब दर्शन खुले चाहिए और खुले की बजाय तो होर साडे दी फीसां दा अटैक हो रहा ये बार बार साडा पड़ोसी पड़ोसी है भाई देखो अपना घर का पड़ोसी हुंदा वाहगुरु कोई भी वह पड़ोसी की है उहदे नाल तालमेल सही होना चाहिए ताकि साडी मौके ते मदद करे साडा पड़ोसी पाकिस्तान पर साडी उहदे नाल पाकिस्तान नाल पड़ोसपना नहीं हो रहा दिता जा रहा कोई ना कोई सरकारां दे विच घाट है हुण इह बारे उह सरकारां जिहनां आपां जिहनां आपां दे बारे कुछ नहीं कह सकदे कुछ दिन पहले ही एग्रीमेंट दुबारा 5 साल का वधाया गया करतारपुर लांघे का जिहड़ा 5 साल का एग्रीमेंट वधाया गया उहदे विच भी फीस दी मंग इंडियन गवर्नमेंट ने कीती सी कि इह $20 ना लाओ संगत को शायद उहनां ने इह नहीं मन्निया तुसीं किद्दां देखदे हो इह वाहिगुरू फिर उह सरकार दी कमी है कि पाकिस्तान ये ज्यादा ले रहा अपा तो इन्हों का ये अपनी सरकार नाल तालमेल ना सही होने करके ही ज्यादा ले रहे हैं ना जे अपनी सरकार नाल तालमेल सही होना तो यह क्यों लैना क्योंकि उस तो कुछ दिन बाद ही जी दूसरी वीजा फीस खत्म कर देनी $20 की नहीं दूसरी वीजा फीस खत्म कर दी हाँ जी तुम अपील की करते हो होनी चाहिए असं अपील यही करते हैं वाहिगुरू सानू तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए $20 ना होने तो या उदा कह लिए कुछ उदा रीजनस होने तो संगत जरूर आती है शुरू तो आती रही दूरबीन ना दर्शन कर दी रही तुम भी भाजी अब दूरबीन ना दर्शन कर आए हो या पार चले हो नहीं दूरबीन ना दर्शन कर आए भाजी भाजी कि देखते हो $20 नु किवें देखते हो कितना राजनीति सारे लक्षण इन्हां दे इहो जिहे आ जी वे आपे मोदी सरकार नु ला लो जी इहनू हांजी $20 ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਆ $20 ਦੇ $20 ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਹੀ ਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ $20 ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਉਹ ਨਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹ ਚੁਭਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते शायद ये फीस नू अफोर्ड नहीं कर पाते आप संगत ना होर भी गल करते हैं भाजी प्लीज तुसी जा रहे हो दर्शन लिए अगे अगे पार जा रहे हो भाजी किदा देखते हो जो $20 तुसी लैके भी आए होगे फैमिली ना चले हो लैके भी आए होगे किदा देखते हो वेव ऑफ होने चाहिए क्योंकि कल एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन या ट्वीट आंदा कि ऑन अराइवल वीजा फीस माफ़ कर दी गई है जी बाकी कंट्रीज लिए जिदा ऑन अराइवल जाने तो ये $20 नू किदा देखते हो मेरे हिसाब से तो बनते हैं देने चाहिए क्योंकि आप कंट्री के लिए टूरिज्म ड्राइव करने के लिए उनके लिए रेवेन्यू यही है तो मेरे हिसाब से बनता है देना उनका।
अगर अब दूसरे देख लिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनका ये कहना है कि हमें गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं और हम अफोर्ड नहीं करते, तो उनके लिए कोई, उनके लिए तो बिल्कुल माफ होना चाहिए, उनके लिए तो ये मतलब एक रिलीजियस जगह है तो उस चीज के हिसाब से तो बिल्कुल माफ होना चाहिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। कल एक फंक्शन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ऑन अराइवल वीजा फीस माफ होगी, ऑन अराइवल वीजा फीस ते दूसरे वे आउट तो ऑन अराइवल वीजा ते है ही नहीं, इतने एंट्री फीस लगी है, ये डिमांड में कितना देख रहे हो? बीते कल जिवें एक ट्वीट आंदा उस तों बाद संगत दे विच वी एक कह सकदे भुलेखा जिहा सी कि शायद $20 माफ कर दिते गए ने करतारपुर कॉरिडोर दे, लेकिन वह $20 एंट्री फीस नहीं माफ हुई और वह लग रही है ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ $20 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $20 ਉੱਥੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਆ। ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ $20 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ $20 ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪਿਤ ਚਾਵਲਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ।